हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सेपरेट स्टडी में। तो आइए इस वीडियो में हम 10th क्लास का एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स है उसकी एक्सरसाइज 5.2 है और उसका क्वेश्चन नंबर 12 इस वीडियो में हल करने वाले हैं हम। और जो बाकी क्वेश्चन बचते हैं इस एक्सरसाइज के और 5.1 के, वो हमारी प्ले लिस्ट में क्वेश्चन वाइज अलग अलग से वीडियो बना रखी है, प्ले लिस्ट में आप उनको जाकर देख सकते हैं जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है। और अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं 12th नंबर को। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो आप। ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सभी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी साथ में लगभग सभी क्लासेस का मैथमेटिक्स हम चैनल पर कवर कराने वाले हैं धीरे धीरे, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो अब देखते हैं 12th नंबर क्वेश्चन। टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। तो लेट कर लिया हमने उनका कॉमन डिफरेंस है, मान लीजिए ये कोई एक एपी है उसका कॉमन डिफरेंस मान लिया हमने बड़ा डी, और एक कोई दूसरी ओपी उसका कॉमन डिफरेंस मान लिया हमने छोटा डी। तो ये लगभग दोनों क्या है, सेम दे रखे हैं। और आगे दे रखे इसमें द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, उनके 100वें ए 100 ये बड़ा मान लिया हमने, एपी मान लिया इसका बड़ा ए ले लिया, इसका छोटा ए ले लिया, तो इनके 100वें टर्म का अंतर भी क्या है 100, ये हमें गिवन है। और आगे पूछ रखा है हमसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, उनके 1000वें टर्म में डिफरेंस क्या होगा, तो ये पूछ रखा हमें। तो निकालने के लिए आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को हल करना। ए 100 है, इसका फॉर्मूला हम खोलेंगे तो ये हमारे पास आएगा ए प्लस 99 डी, ये बड़ा ए है तो इसकी इसके अंदर बड़ा डी ही कॉमन डिफरेंस ले लेते हैं हम, माइनस ए प्लस 99 डी इज इक्वल टू 100। ये हमने an का फॉर्मूला एक्सपेंड किया तब हमारे पास ये आ जाता है। अब इसको आगे हल करते हैं, a प्लस 99 d माइनस a माइनस 99 d इक्वल टू 100, ये माइनस का निशान अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसमें, तो ये आगे देखते हैं हम 99 d माइनस 99 d, ये बड़ा d है और ये छोटा d, ये d इक्वल है ये इसके छोटे डी के, तो इन दोनों को हम इस प्रकार कैंसिल कर देते हैं क्योंकि इनका मान इक्वल ही होगा, क्या होगा इक्वल, ए से ए को कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि हमें दिया हुआ नहीं है, ए का मान बड़ी ए का और छोटी ए का इक्वल है ये नहीं दिया हुआ हमें, तो इसको दिया हुआ था हमने इसको इसलिए कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास ए माइनस ए इक्वल टू 100 इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेते हैं हम। आगे देखते हैं इसी प्रकार उनके 1000वें टर्म का डिफरेंस भी क्या 100 ही आता है, तो देखते हैं चले ये कर लिया हमने। आगे देखिए ए 1000 माइनस 1000 इक्वल टू, ये फाइंड करना हमें, तो करते हैं इसको भी सॉल्व करना। इसके लिए क्या करेंगे हम, ए प्लस 99 ये लिख दिया हमने 999 डी, इसमें ले लिया बड़ा डी और इसमें ले लिया हमने ए प्लस 999 डी इक्वल टू ये एक्स मान लिया हमने, ठीक है। तो आगे हल करते हैं इसको, तो ए प्लस 999 डी माइनस ए माइनस 999 डी इक्वल टू एक्स। तो आगे देखते हैं हम, ये इससे कैंसिल हो जाता है, क्यों कैंसिल हो जाता है क्योंकि हमें गिवन है बड़ा डी इसको टू छोटा डी, तो ये अल्फाबेट में छोटा बड़ा होता है ये छोटा होता है इस प्रकार, तो ये इसका मान इसके बराबर है डी के और 999 ये इक्वल है दोनों में, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं हम इस प्रकार। तो ए माइनस ए इक्वल टू एक्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 दे देते हैं हम इसको, क्या दे देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 क्या दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो आपका आंसर होगा यस, तो राइट हैंड साइड भी उनकी इक्वल होंगी, तो x इक्वल टू 100 हो जाएगा इस प्रकार हमारा x इक्वल टू 100, तो उनके 1000वें टर्म का अंतर भी क्या आया 100 ही आया, और उनके 100th टर्म 100वें टर्म का अंतर भी 100 था, तो 1000वें टर्म का भी अंतर क्या होगा 100 ही होगा, तो हमारा आंसर इस प्रकार 100 ही आएगा। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का हल।
तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।